हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर प्रीवियस वीडियो जहां पे हम एक्सरसाइज 1G सॉल्व कर रहे थे. करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर लॉजिक लगा लो तो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है. देखो, 1 upon x plus p plus q is equal to 1 upon x plus 1 upon p plus 1 upon q. जस्ट थोड़ी सी आइडिया आ जाए कि आंसर किस टाइप का होगा, इसलिए ऑप्शन देख लो एक बार. इसके ऑप्शन में है p या q या फिर माइनस p माइनस q, p और माइनस p या माइनस p एंड q. थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो. देखो, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर मैं x की जगह माइनस p रखूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पी हट जाएगा, बचेगा 1 upon q. यहाँ पे भी x की जगह माइनस पी आएगा, मतलब ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, यहाँ पे भी बचेगा 1 by q. करेक्ट. इन द सेम वे अगर मैं x की जगह माइनस क्यू रखू तो फिर ये प्लस, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू कट जाएगा, बचेगा 1 by p. यहाँ पे भी मैं x की जगह माइनस क्यू रखू तो ये कट जाएगा, ये टर्म और ये टर्म, और बचेगा 1 by p. तो देखा, अगर मैं माइनस रखता हूँ माइनस पी और माइनस क्यू, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है ये. बट अगर वही मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करते बैठू ना, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा मेरा, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम. ओके, तो बेटर है कि ट्राई करेंगे. ट्राई x इज इक्वल टू माइनस पी, तो क्या आएगा, 1 upon minus p plus p plus q इज इक्वल टू 1 upon minus p plus 1 upon p plus 1 upon q. ये पी पी कट हो गया, यहाँ पे बचा 1 upon q इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, देखो अभी इसमें होगा -1 upon p plus 1 upon p plus 1 by q. नॉर्मली माइनस साइन कहाँ पे होती है, न्यूमरेटर में, तो इसलिए यहाँ पे जो p है तो इसको हमने डिनोमिनेटर को p कर दिया, न्यूमरेटर को -1 कर दिया यहाँ पे. करेक्ट, माइनस साइन होनी चाहिए न्यूमरेटर पे. करेक्ट, तो इसलिए आया -1. अभी डिनोमिनेटर सेम है अगर, तो क्या होगा, ये इसका सम क्या होगा, 0 by p. करेक्ट, इसका क्या होगा, 0 by p, तो 0 by p मतलब 0, तो क्या बच रहा है, सिर्फ 1 by q, तो इज इक्वल टू q. करेक्ट, मैच हो गया. सो x इज इक्वल टू माइनस पी इज राइट ऑप्शन. x इज इक्वल टू माइनस पी इज करेक्ट. इन द सेम वे ट्राई करेंगे. ट्राई x इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये आएगा 1 by x, मतलब 1 by minus q प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 by minus q प्लस 1 by p प्लस 1 by q. करेक्ट, ये क्यू कट गया, क्या बचा, 1 upon p इज इक्वल टू सेम वे में -1 upon q प्लस 1 upon q प्लस 1 upon p. इसका आंसर आएगा 0 by q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 by p इज इक्वल टू 1 by p, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस क्यू is correct. Therefore, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी एंड माइनस क्यू. तो वही अगर इसको आप सॉल्व करो तो देखो कितना टाइम जाता है. ओके, ये क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी करेक्ट. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. Sixth, the values of x for the equation x square plus 9x plus 18 is equal to 6 minus 4x. ये तो बहुत ही आसान है, ये तो एक्चुअली आप लोगों ने कर भी दिया होगा, यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को चेक करते हैं इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ एक बार. एक्स स्क्वायर प्लस 9x, मैं सीधा सीधा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करता हूँ, प्लस 4x प्लस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. करेक्ट, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 12x प्लस 6 है ना, 12 और 1, तो 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 1 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ये तो एकदम बच्चों वाला था ना, एकदम स्टार्टिंग में हमने किया था, पहले स्टेप में वो वाला है. ये x इंटू ब्रैकेट x प्लस 12 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड
एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 12। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 12, क्या है इसका ऑप्शन बी, करेक्ट। फिर ये आ गया द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ऑप्शन से करेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अंडर रूट 2x प्लस 5x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 1 का डिफरेंस आना चाहिए, करेक्ट। ट्राई ऑप्शन ट्राई टू, ट्राई x इज इक्वल टू 2, क्या आएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर देखो 2, अब यहां पे 2 अगर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यहां पे अगर 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 2 16, अंडर रूट 16 मतलब बाहर आने के बाद 4, माइनस सेम चीज यहां पे भी x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 9 9, फिर 9 को बाहर लेके आएंगे स्क्वायर रूट के तो 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, करेक्ट आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया मतलब क्या, एक तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नहीं तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, करेक्ट, बी और डी तो होंगे नहीं, करेक्ट ए या फिर सी। तो फिर ट्राई करते दूसरा ऑप्शन माइनस 9 बाय 2, ट्राई x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 2, ओके। चलो ये थोड़ा सा लिख के करते हैं अपन, है ना, माइनस है 9 बाय 2 भी है, थोड़ा सा लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो इन टू ब्रैकेट माइनस 9 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इन टू ब्रैकेट माइनस 9 बाय 2 माइनस 2 माइनस 2 into bracket minus 9 by 2 whole square plus 5 into bracket minus 9 by 2 minus 9 is equal to 1। देखते हैं ये दो दो, अब ये 2 का square हो जाएगा 4, ये 9 का square हो जाएगा 81, correct। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 81 by 4, अब multiplied by 2 है ना, तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा 81 by 2, 1 by 2 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा minus 45 by 2, अब यहाँ पे minus 2 है, मुझे नीचे 2 लाया तो मेरे लिए आसान है ना, ये सब करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो 81 by 2 minus 45 by 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ minus 4 by 2, है ना, minus 4 by 2, तो अल्टीमेटली है तो वही, बट ये फिर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो मैं ऊपर का कैलकुलेशन आसानी से कर लूंगा, है ना। फिर ये क्या बचा 81 माइनस 45 माइनस 4, कितना आता है 81 माइनस 45 36 माइनस 4 32 बाय 2 16, करेक्ट, 32 बाय 2 16, तो 16 को बाहर लेके आओ तो कितना आएगा ये 4, समझा गया, 81 माइनस 45 माइनस 4 मतलब 81 माइनस 49 कितना आता है 32, 32 डिवाइडेड बाय 2, अब ये सब जगह 2 है ना, नीचे 2 आएगा डिनोमिनेटर में, 32 बाय 2 16, और 16 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेके आएंगे तो 4, माइनस यहाँ पे भी वैसी 81 बाय 2 माइनस 45 बाय 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखूं मैं 18 बाय 2 लिखता हूँ, करेक्ट। फिर 81 माइनस 45 कितना आएगा 36 माइनस 18 बाय 2 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो 3 इज इक्वल टू 1, राइट, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 2 इज आल्सो करेक्ट, इज करेक्ट। Therefore, x is equal to, एक तो होना चाहिए 2 या फिर माइनस 9 बाय 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर ए, ऑप्शन ए।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3x² - 17x + 24 = 0। तो सोचो कैसे करना है। एबीसी के थ्रू करेंगे फॉर्मूले से। चलो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -17, c इज इक्वल टू 24। माइनस b प्लस और माइनस, ये मैं जैसे बार बार लिखता हूँ आप भी लिखा करो, ठीक है ना, याद हो जाएगा ये। तो मुझे क्या जरूरत है फिर से लिखने की, बट फिर से लिख रहा हूँ ना मैं, तुम भी लिखा करो। माइनस b मतलब 17 प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या आएगा, 17 का स्क्वायर 289 है ना, यही आता है ना। और नहीं तो एक हाथ नंबर गलत हो गया तो इसके चक्कर में आंसर गलत आ जाएगा। (17)² (289), right? (289 - 4 × 3 × 24, correct? Whole divided by 2 × 3, ठीक है। ये कितना था, 4 × 3 × 24, 4 × 3 × 3 × 24 आ रहा है 288 है ना। तो इज इक्वल टू 17 प्लस और माइनस 289 माइनस 288 1 को बाहर लेके आएंगे तो 1/6 इज इक्वल टू 18/6 तो भी आएगा, नहीं तो फिर 16/6 आएगा। तो 18/6 यानी कि 3 और 16/6 यानी कि 6 × 2 = 12, फिर बचा 4/6। अभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है, 4/6 ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसको अपन और कम कर सकते, 2 इंटीजर एंड 2/3, करेक्ट। 4/6 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और 2 इंटीजर 2/3, करेक्ट, डन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। फटाफट हो रहे ना ये। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन नंबर 9। (3)(3x²+15/6 + 2x²+9) = (2x²+96/7+6). पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे, x इज इक्वल टू 1, ट्राई x इज इक्वल टू 1, तो फिर 3 × 1 = (+15/6) + 2 × 1 = (+9) = (2 × 1 = (+96/7+6). कितना था ये, 1 का स्क्वायर 1 × 3 = 3 + 15 = 18 × 3
54 आया 6, 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 प्लस 9 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 प्लस 96 98, 98 बाय 7 7 मंजर 7 7 4 14 करेक्ट, 14 7 जा 98 प्लस 6 कितना रहे 11 और 9 20 इज इक्वल टू 20 करेक्ट, मतलब x1 इज राइट ऑप्शन इज राइट। अभी ऑप्शन ए बोलता है 1 और 1 तो हमको ये ऑप्शन करेक्ट है, 1 1 भी करेक्ट है, 1 दोनों भी 1 के आंसर आने वाले बराबर है ना, बट ये जरूरी नहीं कि करेक्ट आए ही करेक्ट, बाकी के ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो अलग नहीं है ना, 1 1 यानी कि दूसरा जो उन्होंने दिया है आंसर वो अलग नहीं है, तो वी कांट बी वेरी श्योर, अगर ये हम इक्वेशन सॉल्व करते तो करेक्ट ही आता था ऑप्शन, फिर कोई बात ही नहीं थी, बट जब हम ऑप्शन से कर रहे हैं तो वी कैनॉट बी वेरी श्योर कि ये ए ही करेक्ट है, ए करेक्ट है बट वही सबसे करेक्ट है क्या ये हम बोल नहीं सकते, तो और कौन से ऑप्शन में वन है वो कोशिश करेंगे, वो ट्राई करेंगे ओके। बी के अंदर हाफ है माइनस वन है नहीं करेंगे सॉल्व, सी के अंदर वन है माइनस वन है ये कर सकते हैं, डी के अंदर टू माइनस वन करने की जरूरत नहीं है, मतलब सी वाला हमको सॉल्व करना पड़ेगा माइनस वन वाला। अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखो एक्स के साथ मतलब इक्वेशन के अंदर एक्स जहां पे भी आया है वहां पे कैसे आया है, वहां पे एक्स स्क्वायर आया है, देखा थ्री एक्स स्क्वायर, टू के बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी टू के बाद एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये वन की जगह अगर मैं माइनस वन भी रखू और अगर उसका स्क्वायर लू तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही आने वाला है, समझ आ रही क्या बात, फिर से मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस वन रखा सब जगह उसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है मतलब सब जगह माइनस वन का स्क्वायर होने वाला है, तो माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, इसका मतलब आंसर यही आएगा ना, आंसर चेंज होगा क्या मेरा, नहीं मतलब वो भी करेक्ट आएगा राइट, वो भी राइट ही आएगा, इसलिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरीवेयर एवरीवेयर एक्स हैज सेकेंड पावर, जहां पे भी एक्स है वहां पे उसकी सेकेंड पावर है, दैट इज एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एज वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन स्क्वायर इज ऑल्सो वन, therefore x is equal to minus 1 is also correct, so correct, आप अगर try भी करो तो बराबर ही आएगा, but ये logic लगा कि time बच जाएगा आपका है ना, so therefore x is equal to 1 and minus 1, correct, तो कौन सा ज्यादा correct option है, option C, correct, यहाँ पे same था ना वो, option A में 1 1 ऐसा था, इसलिए हमने आगे की कोशिश की, नहीं तो अगर दोनों भी right आ जाते और वो अगर अलग अलग answer रहते तो हमको ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है समझ रहे आपको, चलो अभी लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 10, सर क्या ये हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, यस कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन ट्राई करना भी थोड़ा सा टीडियस टास्क रहेगा, बट यस यू कैन डू इट, आप ऑप्शन से करो, मैं आपको सॉल्व करके गया है ना, आप ऑप्शन से कर सकते हो अभी, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू एल माइनस एम बाय टू, बी इज इक्वल टू माइनस इनटू ब्रैकेट एल प्लस एम बाय टू एंड सी इज इक्वल टू एम राइट, चल फॉर्मूला अपना हमेशा का माइनस बी यानी कि एल प्लस एम बाय टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब एल प्लस माइनस तो कोई मतलब ही नहीं ना क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर भी फोर आएगा, टू का भी स्क्वायर फोर आएगा, तो माइनस का कोई सोचने की जरूरत नहीं। अभी एल प्लस एम यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एल एम डिवाइडेड बाय टू, ये हो गया बी स्क्वायर ओके,
माइनस 4ac चाहिए मुझे। अब देखो 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। अब ये 4 मुझे मालूम है 4, c मुझे पता है m, a क्या है l माइनस m बाय 2, l माइनस m बाय 2। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले ये 4m कर लूंगा, करेक्ट, 4m इंटू एक मिनट थोड़ा इधर लिखते हैं हम लोग, 4m l माइनस m बाय 2, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2m बचेगा, फिर ये 2m से l को करो, 2lm माइनस 2m स्क्वायर, करेक्ट है क्या, 2lm माइनस 2m स्क्वायर। बट एक ध्यान सुना, ऐसा कर सकते हो आप लेकिन करना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो पहली टर्म है ना यहां पे, एक सेकंड रुको, ये जो पहली टर्म है यहां पे डिनोमिनेटर 2 है, तो इसके लिए सेकेंड टर्म में भी डिनोमिनेटर 2 रहा तो सब्ट्रैक्ट करने को आसान जाएगा, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करने को आसान जाएगा, इसलिए ये वाला जो 2 है ना इसको कट नहीं करना है मुझे, नहीं तो फिर आगे वापस मुझे डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए फिर से मुझे मल्टीप्लाई करते बैठना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 को कट नहीं कर रहा हूं, 2 को मैं ऐसे रहने दूंगा। ये 2 4 m, तो क्या आएगा, ये 4 l m माइनस 4 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ले लो यहाँ पे माइनस 4 l m, नहीं प्लस 4 l m माइनस 4 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 a, तो 2 इनटू ब्रैकेट a क्या है, l माइनस m बाय 2, तो नेक्स्ट टाइम ये 2 2 भी कट जाएगा, राइट, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, l प्लस m बाय 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, नीचे भी 2 आने वाला है, एक सेकेंड, एक चेंज करना पड़ेगा अपने को सिर्फ, ये बी स्क्वायर जब लिया हमने यहाँ पे तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया है, नहीं 4, यहाँ पे 4 लेना चाहिए था, यहाँ पे 4 लेंगे, ओके, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, डिनोमिनेटर में 4 आ गया क्योंकि वहां पे स्क्वायर लेना बाकी था बी स्क्वायर पे, माइनस अभी मुझे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 चाहिए तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8lm माइनस 8m स्क्वायर, ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय l माइनस m, ठीक है, अभी 2-3 स्टेप में हो जाएगा ये, देखो l प्लस m बाय 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, डिनोमिनेटर में 4, ऊपर क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 8lm प्लस 8m स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय l माइनस m इज इक्वल टू l प्लस m बाय 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आ रहा है, देखो l स्क्वायर, और कोई l स्क्वायर की टर्म है क्या इसमें, नहीं है, तो सीधा सीधा ले लो l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और कोई एम स्क्वायर की टर्म है, यस देयर इज, इट इज एम स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, दैट इज 9m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 8lm माइनस 6lm डिवाइडेड बाय 4 अपॉन l माइनस m, क्या आएगा फिर, ये l प्लस m बाय 2 प्लस और माइनस, ये किसी का स्क्वायर लग रहा है क्या आपको, ये स्क्वायर है l माइनस 3m, इसका स्क्वायर लग रहा है ये होल स्क्वायर, देखो आता है क्या, l स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू 3 6lm, करेक्ट, यही आया,
इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो एल माइनस थ्री एम होल स्क्वायर। अभी अंडर रूट रहेगा तो बाहर आने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ एल माइनस थ्री एम, राइट। तो यहाँ पे आएगा एल माइनस थ्री एम डिवाइडेड बाय, अभी नीचे फोर का, फोर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, टू होल डिवाइडेड बाय एल माइनस एम। बस देखो अभी एल प्लस एम प्लस एल माइनस थ्री एम बाय टू डिवाइडेड बाय एल माइनस एम, या फिर एल प्लस एम माइनस एल, सॉरी माइनस थ्री की माइनस एल प्लस थ्री एम डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय एल माइनस एम। अब ये कैसे होता है, अगर ए बाय बी बाय सी है तो इसके नीचे वन ले लो, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, ए बाय बी इंटू वन बाय सी। तो ये यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी डी तो कुछ है नहीं, मतलब एल बाय वन बाय वन, वन से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा, एल प्लस एम प्लस एल माइनस थ्री एम बाय टू इंटू ब्रैकेट एल माइनस एम, करेक्ट। और यहाँ पे आएगा एल प्लस एम माइनस एल प्लस थ्री एम अपॉन टू इंटू ब्रैकेट एल माइनस एम। तो ये क्या होगा, टू एल माइनस टू एम अपॉन टू इंटू ब्रैकेट एल माइनस एम। यहाँ पे क्या होगा, एल एल कट जाएगा, प्लस एम प्लस थ्री एम यानी कि फोर एम अपॉन टू इंटू ब्रैकेट एल माइनस एम। यहाँ पे आएगा टू इंटू ब्रैकेट एल माइनस एम अपॉन टू इंटू ब्रैकेट एल माइनस एम, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा वन। और इधर ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये बचेगा टू एम अपॉन एल माइनस एम। तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है, टू एम अपॉन एल माइनस एम, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये ऑप्शंस के अंदर जो पहले पहले ऑप्शन है ना, वो वन है, आपको लग सकता है वो एल है, बट उसके साथ जूम करके देखोगे तो समझ आएगा आपको। एल थोड़ा अलग तरीके से लिखा है उन्होंने, वन अलग तरीके से लिखा है, देखो जूम करके देखोगे तो ध्यान में आएगा। ये एल, एल कैसे लिखा है उन्होंने, ये ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे एल है, लेकिन वन ये ऐसा प्रॉपर आया। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो वन है पहला, वो एल नहीं है, ठीक है। सो वी हैव गॉट द ऑप्शन ए, ओके। सो वी आर, थैंक्स अलॉट, बाय बाय।